कैसे बताऊं, मर ही न जाऊं। सजल बचपन आऊंगी तो उसको थोड़ा सहारा मिलेगा। जो भाई मुझ पर जा से जिम्मेदारियां निभाता और अब ऐसा लगता है कि मरने तक भी ये जिम्मेदारियां पूरी मन छिड़कता था, अब मजबूरी के तहत मुझसे बात कर रहा हूँ। होंगी भी मेरी फरीद अकेली है वहाँ पे, मैं वहाँ जाऊँ। उमेर ने दी थी सचल और हिरा के देवर के रिश्ते की बात। ऐसी बातें करना आपको जेब नहीं देगा। समीर को कुछ हो गया तो इतनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, गोल्ड की हैं, सुफियान भाई ने गिफ्ट की हैं। ये तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि भाभी को कैसे पता चला उमेर के रिश्ते के बारे में। अति मोहब्बत का ही चक्कर होगा। एक शादीशुदा लड़की के बारे में तो मैं बेवकी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। असर फरी को जब ये पता लगेगा कि अरीज को सरीज के घर लेकर आया है तो फरी समीर से लड़ाई करना शुरू करेगी और गुस्से से वहाँ से चली जाए। तो समीर उसको मनाने के लिए पीछे जाएगा और गुस्से में आकर फरी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा उनकी माँ रोने लगेंगी और कहेंगी समीर तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है, अगर तुम आज मेरी बेटी पर गुस्सा ना करते तो ये दिन मुझे देखने को ना मिलता।